पलवल में बदमाशों का खुलेआम आतंक, वकील की गाड़ी में तोड़फोड़ कर मारी गोली, सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। पलवल की न्यू कॉलोनी में बदमाशों ने खुलेआम पहले अंकित चौहान नामक वकील के साथ जमकर मारपीट की और उसके बाद उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने वकील के ऊपर गोली भी चला दी, जिससे गोली उसके पैर में जा लगी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने पीड़ित अंकित चौहान की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता अंकित चौहान के अनुसार बीती 3 दिसंबर को रात के करीब 8 बजे वह मेडिकल स्टोर से दवाई लेने बाहर गया था। जैसे ही वह घर वापस लौटा तो कुछ युवक स्कॉर्पियो गाड़ी में उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए। आधा दर्जन युवकों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और हाथों में डंडे व हथियार लिए हुए थे। पीड़ित अंकित चौहान ने बताया कि हमलावरों में से मिलन नामक युवक के चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं था। युवकों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरकर उस पर हमला कर दिया। युवकों ने उसकी गाड़ी को भी तोड़ दिया। इसके पश्चात युवक मिलन ने जान से मारने की नीयत से अंकित चौहान के ऊपर गोली चला दी। गोली उसके पैर में जा लगी। शोर सुनकर अंकित के परिजन घर से बाहर आए तो सभी हमलावर युवक जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। लेकिन जाते जाते युवक धमकी देकर गए कि यदि गाड़ी वापस मांगी तो उन्हें जान से खत्म कर देंगे। अंकित की गाड़ी में रखा पर्स भी साथ ले गए। पर्स में करीब 4000 रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कशिश रावत, ललित सिरोही, मिलन सोलंकी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आइए सुनते हैं घायल अंकित चौहान ने पुलिस और हमलावरों के बारे में क्या कहा। इसके पश्चात थाना प्रभारी सत्यनारायण ने कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी दी। ये ऐसा है, मैं 3 तारीख की शाम को पवन मेडिकल स्टोर से कोई अपनी दवाई लेने गया था। उसके बाद जैसे ही मैं वापस घर आया हूँ अपने घर के नीचे, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आके मेरे पीछे लगी है, जिसमें से 8-9 लड़के ढाटा मार के उतरे हैं, हाथ में डंडे वंडे लेके, हथियार वथियार लेके, और उतरते ही गाड़ी में से ही मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ करनी चालू कर दी है और मुझे भी मारना चालू कर दिया उन्होंने। तकरीबन 4 मिनट तक इन्होंने लाठी डंडे मेरे ऊपर चलाए हैं, गाड़ियों से टक्कर मारी है आगे पीछे कर करके। जब लास्ट में जब जाते जाते जब ये मुझे गोली इन्होंने मुझे गोली मारी मेरे पैर में, फिर जब मैं गिर गया हूं, जब इनको ये लगाए मर गया, तो जब ये यहां से भागे। उन लोग की क्या वजह थी? वजह कुछ भी नहीं है कि हरि कृष्णा ढाबा है हमारे उस पे होड्डा चौक पे, तो इनका भतीजा है एक मिलन सोलंकी, इसका पता नहीं क्या मन में अपने में कोई रंजिश लेके बैठा है। अब तो ये यही बताएगा क्या रंजिश, हमारा तो कोई ना इससे लेन ना हमारा कोई दे। क्या गाड़ी में सिर्फ आप सर मारपीट, गोली चली है, किसी तरह की लूटपाट? ना, गोली भी चली है और लूटपाट भी ली है। पुलिस ने 307 का मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन लूट का दर्ज नहीं किया है। क्या कुछ जो मेरा पर्स था उसमें 4000 रुपए मेरे नगद थे, मेरे और भी डॉक्यूमेंट्स थे, लाइसेंस था, पैन कार्ड थे, एटीएम थे मेरे, और उसका तो कुछ किया नहीं है पुलिस ने हाल, लेकिन 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी किसी आरोपी की ना अभी कोई गिरफ्तारी नहीं किसी की भी, पॉलिटिकल सपोर्ट है इन सबकी और पैसे वाले हैं सारे, अपना क्यों पुलिस पकड़ेगी इनको। मैंने पुलिस को 27 तारीख को भी एक दरखास्त दी थी इससे पहले, 27 नवम्बर को मेरे घर आए थे 8-9 जने, तो उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस उस पर कार्रवाई कोई कर लेती तो ये मेरे ऊपर गोली नहीं चलती आज 3 तारीख को। वो पैसे लेके इन्होंने दरखास्त दबा दी। अब वो FIR में शो कर रहे हैं कि 30 तारीख को 107 151 का हमने दर्ज कर दिया, अब बैक डेट में दर्ज कर दिया है SHO ने अपनी जान बचाने के लिए। अंकित कुमार जो हमारे न्यू कॉलोनी में रहता है, उनके ऊपर एक साजिश के तहत कुछ बदमाशों ने हमला किया, उनकी गाड़ी को हिट किया और उनको भी खुद को ही चोट लगी, गाड़ी में काफ़ी नुकसान है और अफरा तफरी का माहौल था, तो उसको तुरंत हमने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अंकित अभी सेफ है,
घर आ चुका और उसके द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर हमने एफ आई दर्ज की। इस विषय में अभी जांच जारी है और जो कई समय सीसीटीवी फुटेज वगैरह कलेक्ट किए जिसके आधार पर मैं 307 IPC और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। किसी आरोपी की अभी गिरफ्तारी हुई है इसमें? गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रेडिंग टीम तैयार कर दिया और लगातार दबिश दी जा रही है, सीधे आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया।